देखो कौन आया। हमारे बाबू कहाँ गए? और वहाँ पे देश की रक्षा करने में शहीद हो गए। मुझे गर्व है कि मैं कमांडो डीके सिंह की पत्नी हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, लद्दाख के लेह में पिछले दिनों शहीद हुए एनएसजी कमांडो दीपक कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक आवास बिहार के गोपालगंज जिले में पहुंचा। बारौली के भंडकुइया गांव में जैसे ही शहीद दीपक कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद शहीद जवान की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मौके पर विधायक राम परवेश राय और कई गणमान्य लोग पहुंचे। वंदे मातरम के नारे से पूरा इलाका गूंजमयन हो गया। उल्लेखनीय है कि बारौली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी पल्ला सिंह के बेटे एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह बीते 4 जनवरी को लेह में अन्य कमांडो के साथ गाड़ी से ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे। इसी दौरान एडीकान के निकट बर्फबारी में उनकी गाड़ी फिसल गई, गहरी ढलान में चली गई। गाड़ी में सवार सभी 4 कमांडो घायल हो गए। सभी को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दीपक कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो चीख पुकारों से पूरा गांव गूंज उठा। गगन भेदी नारों के बीच पूरे सैन्य सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज के बीच वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी दीपक कुमार जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।